उपवास किस तरह से करने चाहिए, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? डेफिनेटली ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम खाने के पीछे पड़े हैं। खाएंगे तो ही जिएंगे, खाएंगे तो ही ताकतवर बनेंगे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। ये सारी भ्रमणाएं जो फैली हुई है सारे समाज में वो गलत है। वो मैं अपने खुद के एग्जाम्पल से आपको कह सकता हूँ। पहले मैं बहुत ही खाने वाला था, उठने के साथ बस खा 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 ही करता था सारा दिन तक, और रोगिष्ट बना रहता था। आज 26 साल से जब से पता चला लंगनम परम औषधम, तो तब से मेरा खाना कम हो गया, खाना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बदल गई। क्वांटिटी इतना कम हो गया कि मुझे भी अचरज सा लगता है। और 26 सालों से उठने के बाद हम 8, 9, 10 घंटे तक तो कुछ भी नहीं खाते हैं। तो ये जो लंघन के बारे में हमारा ख्याल बदल गया उपवास के बारे में, और न खाने से ताकत बढ़ गई। जो हम पहले मानते थे कि खाने से ताकत आती है, अब हमें पता चल गया कि खाने में, पचाने में और निकालने में ये सारा जीवन हमारा खत्म हो जाता है। शक्ति खर्च होती है और आयु भी कम होती है। हम देखेंगे पुराने जमाने में ऋषि मुनि हजारों साल के उपवास करते थे, तो उनकी आयु शायद लाख में भी हो सकती है, इतनी लंबी थी। तो ये उपवास से हमारी आयु भी बढ़ती है और हम निरोग रह सकते हैं। तो शायद आपको पता होगा कि श्रीलंका में एक खिलाड़ी है, प्लेयर है, किर्बी डी लेन रोले। तो वो इतना शारीरिक श्रम करता है, मैराथन दौड़ दौड़ता है और सारी गेम्स भी खेलते हैं, गोल्ड मेडल भी प्राप्त करता है। और वो बताता है कि गत 8 साल से उसने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। ही ब्रिगेडियन 8 साल से, आप समझ सकते हैं। गुजरात में प्रहलाद भाई जानी करके हैं, तो ए 76 साल से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, और सारी दुनिया से एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट सभी ने उस पे एग्जामिनेशन भी करके सर्टिफाई किया है। ये तो एक्सेप्शनल हम सोच ले, लेकिन हमारे जैसे साधक वो आज अभी ऑन गोइंग जो कहे ऑनलाइन, तो वो है सुलेखा बेन चौधरी राजकोट में। तो आज उनका 25वां निर्जल उपवास लगातार चल रहा है, और उन्होंने गत 2 साल में 500 से ज्यादा निर्जल उपवास किए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना निर्जल उपवास ज्यादा होगा उतना शारीरिक क्षमता तो बढ़ती है, लेकिन ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आध्यात्मिक लेवल भी हमारा बहुत ही ऊंचा जाता है, और हम प्रभु प्राप्ति मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं।